ईश्वर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जान लेते हैं कि अंबेडकर वादी लोग कितने सारे ईश्वर को मानते हैं। सर, देवी देवताओं में कितना विश्वास है आपको, ये बताएं। हमें सबसे ज्यादा अमेरिकन में विश्वास है। अमेरिकन में विश्वास है। अच्छा। हमारे लिए सब दही देवते सब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, ये आगरा की धरती पे ऐसे सैकड़ों के तादाद में आपको यहाँ पे नजर आएंगे। पूरे के पूरे मोहल्ले में कई हजार लोग रहते हैं और सब लोगों ने इसका ये देखिए बहिष्कार कर दिया है, अपने हाथों से एक अलावा तोड़ दिया, खोल दिया, काट दिया। इनसे मानने से कुछ नहीं होता, अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो उससे ही कुछ होता है। ये अगर हम शिक्षा लेंगे उससे कुछ होगा, अगर हम इन्हें मान लेंगे तो उनसे क्या हुआ। यहाँ से जानना शुरू करेंगे। सर, देवी देवताओं में कितना विश्वास है आपको, ये बताएं। हमें सबसे ज्यादा अमेरिकन में विश्वास है। अमेरिकन में विश्वास है। अच्छा। हमारे लिए सब दही देवते सब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर हैं। और देवी देवता जो एक आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, क्या कहेंगे? आज बेटा इधर आ जाओ। ये बेकार है, ये बेकार है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में शक्ति है और वो है ऐसा लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं आप। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्या करा है भैया, बताओ जरा इधर आके। डॉक्टर डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? हमें शिक्षा की ओर ले आया जी। और हमारे मतलब गुलामी गुलामियों से गुलामी थे हम, उन्हें उन्हें हमारी पीढ़ी टूटी और हमें अवसमता दिया और बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। और राम राम घर घर राम चल रहे हैं, क्या बोलेंगे जी? तो सभी एक वोट लेने का फार्मूला है इनके पास। और गांव के अंदर कितने लोग हैं जो राम और हनुमान को मानते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? ऐसे तो 50-60% आदमी होंगे जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? तो कम है, आप क्या कहेंगे बताइए। हाँ, 40-50% है मानने वाले, लेकिन हाँ, लेकिन ज्यादा बाबा साहब को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं? नहीं, बाबा साहब को मानते हैं। यहाँ मानते हैं बाबा साहब। बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, बाबा साहब ने कहा था। अभी बाबा साहब ने वो हमें दिया शिक्षा, वो शिक्षा दिया, संविधान दिया, जिससे हमें हमारी पीढ़ी ज्यादा आगे विकास हुए। हाँ, सिंचाई वो धन दिया है, सिंचाई से हम आगे बढ़ेंगे। वो देवी देवता हम विश्वास नहीं रखते। हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को, कैमरामैन यहाँ पर आए। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कटे हुए, ये कटे हुए कुछ कलावे पड़े हुए हैं, ये कटे हुए कलावे पड़े हुए हैं जो यहाँ के लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इन कलावों को काटने का काम करा हुआ है। कलावे आप देखेंगे, बहुत सारे कलावे कटे हुए हैं और इन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली है बाबा साहब के मूल ग्रंथों पे चलेंगे। महिलाओं ने भी यहाँ पे करा था, एक किरण है यहाँ पर, और भी बिटियाँ हैं यहाँ पे। किरण आगे आ जाइए आप भी जी, आगे आ जाओ। क्यों ऐसा लगा कि ये कमजोरी है हमारी, हम इससे हम बंधे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? आगे आके बोलो, बता दो। सर, ऐसे इनसे मानने से कुछ नहीं होता, अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो उससे ही कुछ होता है। ये अगर हम शिक्षा लेंगे उससे कुछ होगा, अगर हम इन्हें मान लेंगे तो उनसे क्या हुआ? इनसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बाबा, हाँ बताइए। ये तो मैंने वैसे बांध लिया था। अच्छा, इसलिए डरा था। पूजा पाठ करते हो आप? नहीं करते हो? वैसे तो नहीं करती, मगर जब कभी की थी, मगर अब तो बिल्कुल नहीं करती वैसे। हाँ, बाबा साहब को मानते हैं? हाँ मानते हैं जी। आप क्या कहेंगे साहब? बाबा साहब को मानते सर जी, उन्होंने हमारी गुलामी खत्म हो जाए, जहाँ जमीन पकड़े ना। देखिए, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, ये आगरा की धरती पे ऐसे सैकड़ों के तादाद में आपको यहाँ पे नजर आएंगे। पूरे के पूरे मोहल्ले में कई हजार लोग रहते हैं और सब लोगों ने इसका ये देखिए बहिष्कार कर दिया है, अपने हाथों से एक अलावा तोड़ दिया, खोल दिया, काट दिया। अब क्यों काट दिया, क्यों खोल दिया, ये सारे लोग कहते हैं कि बसपा की सरकार आने वाली है, बहन जी की सरकार आने वाली है। बहन जी क्या कर देंगे ऐसा बदला भाई साहब? इसमें क्या है कि वे शिक्षा की तरफ से अच्छे अच्छे स्कूल बनवाएंगे और गरीबों के लिए बिल्कुल शिक्षा मुक्त करेंगे जी। और हम लोगों को जो जमीन है, वो जमीनें पड़ी हुई हैं, उनको द्वारा से बंटवारा करेंगे जी। और जो अच्छे अच्छे नियम है, जो शोषण वाले होते हैं, उनको एक्ट है, अर्जन एक्ट है, उस पर भी एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उनको जी। जो कानून है वो थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, वो मजबूत बनाएंगे जी। हम अपनी सरकार पर विश्वास करते हैं जी। बीजेपी सरकार तो ये कह रही है ज्यादा सुरक्षित है हमारे राज्य में, बहू बेटी रात को भी कितने बजे भी जाके निकल सकती है, कोई डर की बात नहीं है? नहीं, कुछ भी सुरक्षित नहीं, सब बेकारी बात है। हाँ, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, हाँ, जो बहन जी की सरकार थी उससे ज्यादा वो सुविधा नहीं है। जो बहन जी की सरकार थी वो ये एकदम सख्त कानून था, बाकी सब बकवास है। तो हवाई हवाई बात करते हैं बीजेपी वाले, कुछ नहीं है जी। हाँ, गठबंधन भी आने वाला है, कह रहे मजबूत है गठबंधन, क्या लग रहा है? गठबंधन मजबूत है या बहन जी मजबूत नजर आ रही है? बहन जी मजबूत है, हालांकि बहन जी एक ऐसा कांटा है इनके लिए जो कि लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बहन जी ने जब बनवाई थी तब इन लोगों को ऐसा कांटा लगा था
कि इन्होंने गांव मोहल्ले में गलियों में चर्चा कर रखी थी कि बहन जी ने सारा पैसा सरकार का पार्कों में लगा दिया, हाथियों में लगा दिया। जब जी सरकार में मौजूदगी सरकार में नाम नहीं लूँगा, मौजूदगी सरकार में राम मंदिर और भी अन्य मूर्तियाँ प्रतिमा बना रही जा रही हैं, मैं ये चाहूँगा ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये जो पैसा जा रहा है ये कहाँ जा रहा है? क्या गरीबों के लिए कुछ नहीं है? क्या हम मंदिर में ही हाथ जोड़ रखे हैं, मंदिर में ही हाथ जोड़ कर बैठ रहे हैं, या फिर कुछ और भी देखें? कृपा आएगी, चमत्कार हो जाएगा, सारे उद्धार होंगे, आपके नौकरी लगेगी, बच्चे की मनोकामना पूरी होगी, बच्चा पढ़ जाएगा। अरे तो मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए ना, एक नारियल और तोड़ दूंगा। अच्छा एक नारियल और तोड़ दूंगा भाई, 21 तोड़ दूंगा, मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए। जी बना सकते हो आप लोग? मैं कैसे बनाऊंगा भाई साहब, ये तो भगवान का चमत्कार होगा तभी तो बनेगा। आप राम मंदिर गए नहीं होंगे, अयोध्या जाइए, प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। हमारे ऊपर कृपा हमारे माँ बाप की ही है सदा ऊपर, और उनसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी जी। और उसके साथ दम हमें उसके है कि हमारे साथ बसपा बहन जी मायावती जी खड़ी हुई है, बस और अन्यथा कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी लगातार ये कहती है हमने यहाँ पे 15-15 लाख रुपए दिए हैं, बहुत सारे विकास करे हैं, टॉयलेट बनवाए हैं, बेहतरीन रोडें बनवाई हैं, स्कूल बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 15 लाख आए थे वो सारे दारुओं में लड़ा दिए हम लोगों ने जी, ठीक है जी। और लेटरिंग इतनी बन चुकी है कि मकान में रहने की कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग लेटरिन में ही रह जाए जी। मकान किसी के बस की बात नहीं बनवाना, लेटरिन सरकार बनवा रही है जी। उसी में रहिए आप लोग जी। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए उसी के अंदर जी। क्योंकि इस सरकार में स्कूल तो बनना अनिवार्य है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है, और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए?